So शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर टू इसमें हम ये समझने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं सर्कुलर क्लैरिफिकेशन क्या होती हैं और जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं इनकम टैक्स एक्ट लगाया किस एक्ट से जाता है और अगर उसमें अमेंडमेंट लानी पड़े तो उसके लिए क्या-क्या काम करने पड़ते हैं सरकार को अमेंडमेंट साल में एक बार आती हैं मल्टीपल बार आती हैं ये सारी बात करने वाले हैं साथ ही बजट क्या होता है फिनेंस बिल क्या होता है फाइनेंस एक्ट क्या होता है ये भी आज की चर्चा का डिस्कशन है अपनी नोटबुक्स और अपनी कॉपीज को निकाल लीजिएगा हाथों जो मैं चीजें बता रहा हूं उनके नोट्स बना लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया गाइस इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आपको चार टूल्स की आवश्यकता है तो इसको आप ये भी कह सकते हैं फोर टूल्स टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट फोर टूल्स टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट ये आपके चार शस्त्र हथियार हैं जिससे आपको इनकम टैक्स पढ़ने में आसानी होगी या आपको इनकम टैक्स समझ आने वाला है पहला है इनकम टैक्स एक्ट सिक्सटी वन इनकम टैक्स रूल फ्रॉम टी और जुडिशियल इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रूल्स सर्कुलर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सी बी डी टी और जुडिशियल डिसीजन आइए जरा एक बार इसको समझ लेते हैं सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट ये हमारी बाइबल गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान या एक स्टेचुचरी बुक है या लॉ है जिसमें सारे इनकम टैक्स के प्रोविजन डाले हुए हैं ज्यादा नहीं 298 सेक्शंस है <laughs> ज्यादा नहीं वन से लेकर 298 सेक्शंस इसके अंदर है इनकम टैक्स एक्ट सिक्सटी तो इस एक्ट में क्या लिखा है इस एक्ट में पूरा कच्चा चिट्टा है किसको इनकम टैक्स देना है कब देना है कैसे देना है

मैं ये बोलूंगा सारे सेक्शंस नहीं है अप्रोक्सीमेटली 50 परसेंट से भी कम हमारे सिलेबस में है बाकी जो हम पढ़ते हैं वो आगे वाले लेवल्स में पढ़ते हैं पर ये जरा इनकम टैक्स एक्ट वन के बारे में थोड़ा सा लिख ले इट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द लेवी ऑफ टैक्स फॉर द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इनकम टैक्स लगाने के लिए

सारा 61 के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, we you know, तो तो पढ़ाई हमारी हमेशा चलती रहती है एक्ट में मैं ये बोलूंगा अभी आप बच्चे तो अब अब आप ये है मेरे लिए तो Then, you know, middle age में आ गए और ओल्ड एज में भी आ गए हैं। दिस एक्ट वी नीड टू स्टडी ट वी डाई बिकॉज आई डोंक एनी अदर लॉ है जो रियल लाइफ से इतना कनेक्टेड है जितने भी आप लॉस पढ़ेंगे कोई दो चार साल साथ निभाएगा छः साल साथ निभाएगा लेकिन फ्रॉम चौकीदार टू तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवरीबडी रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन और इनकम टैक्स एक्ट एक ऐसा एक एक्ट है जो अब जिंदगी भर आप आज अगर पहली बार पढ़ रहे हैं इसको जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला बिकॉज वेदर यू गो फॉर अ जॉब और यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और हैव योर स्टार्टअप और डू एनी काइंड ऑफ अ थिंग इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा चलिए अब क्वेश्चन में ये आता है इनकम टैक्स एक्ट हिंदुस्तान में पहली बार कब आया था या उससे भी पहले मेरा क्वेश्चन ये मन में आता है इनकम टैक्स के फाउंडर कौन है हु इज फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया आप आंसर सोच के बताइए मुझे हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया

ये चिंगारी पूरे देश में फैल रही थी जब जाके लगा लीजिए 100 साल के आसपास लग गए हमें आजादी पाने के लिए 90 साल के आसपास हमें लगे 1857 में और से पहले भी ब्रिटिश इंडिया तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई होगी तो मंगल पांडे ने चिंगारी सुलगाई थी लोगों को जागरूक किया था लोगों को अवेयरनेस करी थी कि इनको भगाओ बाहर हमारे देश से तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के पास फंड्स की कमी थी दे डिडंट हैव द मनी तो उन्होंने सोचा कि भाई अब पैसा चाहिए होगा इस जो हिंदुस्तान जाग रहा है जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको दबाने के लिए गोला बारूद चाहिए होंगे बंदूकें चाहिए होंगी सैनानी चाहिए सैनानी कह लेंगे सैनिक सैनिक चाहिए होंगे ब्रिटिश बाहर से यूरोप से सोल्जर्स मंगवाने हैं उस टाइम पे जेम्स विल्सन यस माई डियर फ्रेंड्स हु वॉज द फिनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन जेम्स विल्सन हु वॉज द फनेंस मिनिस्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स तो ये इनकम टैक्स जाके अठारह सौ साठ में इंट्रोड्यूस हुआ इनकम टैक्स एक्ट लगने से पहले गाइस लगान लगाया जाता था जो हमने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी तो उस वो नॉन मॉनीटरी था लेकिन उसमें पैसा तो नहीं आता ना अल्टीमेटली मनी आएगा तो यू हैव मोर फ्रीडम टू डू मैनी थिंग्स अगर आज मुझे भी हर काम के बदले में गुड्स ही मिले तो मैं गुड्स को कितना करूंगा कि जो बेचने पड़ेंगे कितने घर में रखूंगा पैसा आ जाता है तो मेरे पास फ्रीडम आ जाता है तो इसलिए जेम्स विल्सन जो हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 तो हिस्ट्री कुछ ऐसे चलती है 1860 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट आया फिर 1886 में आया फिर 1919 में आया

जैसे कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस हो गया कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड हाँ इनकम टैक्स ने अभी बहुत लंबी जर्नी कर ली है साठ साल हो गए हैं बीच में आठ से आठ नौ साल पहले एक प्रक्रिया गवर्नमेंट ने शुरू भी करी थी डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की डी डायरेक्ट टैक्स कोड लेकिन उसको स्क्रैप कर दिया गया और अब गवर्नमेंट की प्लानिंग तो है लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब प्लान करती है तो उसके बाद चार पांच साल लग ही जाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में तो लग गए पंद्रह से सत्रह साल मिनिमम इसी तरीके से जब अब नया कोई इनकम टैक्स एक्ट आएगा पुराने टैक्सेस लोग समझ जाते हैं और एकदम बदल देना बिकम्स डिफिकल्ट तो दो तो तो लेटेस्ट इनकम इनकम टैक्स टैक्स एक्ट एक्ट वी आर इज पढ़ रहे हैं गी 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 तो इसमें क्या कोई सर बदलाव नहीं आते ठीक है आप नया एक्ट लाओगे वो तो दूर की बात है नया घर बनाओगे दूर की बात है जो एग्जिस्टिंग घर है उसमें मरम्मत नहीं करवाओगे क्या कुछ ना कुछ तो मरम्मत करवानी पड़ेगी गाड़ी लेते हैं नई गाड़ी पाँच साल सात पाँच सात साल के बाद ही तो खरीदोगे लेकिन अगर खराब हो जाती है तो रिपेयर तो करोगे तो इनकम टैक्स में रिपेयरिंग कैसे होती है या इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स कैसे आती हैं अमेंडमेंट्स लाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में देयर आर थ्री वे तीन तरीके हैं इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट लाने के वो तीन तरीके हैं फिनेंस बिल ला के अमेंडमेंट बिल ला के ऑर्डिनेंस बिल ला के एक्ट कैसे आई थी गाइज एक्ट आई थी बिल लाकर यस एक्ट भी तो बिल लाकर आई थी तो अमेंडमेंट भी बिल लाकर आएगी जैसे लोहा है कोई लोहे की गाड़ी है तो लोहे से बनी है अगर गाड़ी कुछ टूट जाता है तो वहां पर लोहे का ही तो पैच लगाना पड़ेगा प्लास्टिक का पैच तो काम नहीं चलेगा बात समझिए तो लोहे को लोहा काटता है तो एक्ट को भी एक्ट ही काटेगा और एक्ट कैसे बनाए बिल से तो अमेंडमेंट भी कैसे आएगी बिल से उस बिल को फिर पास करवा के एक्ट बनाएंगे और हमारी पुरानी एक्ट में चेंजेस आएंगे तो यस गाइस वेन एवर यू वॉन्ट टू तो चेंज एनी एक्ट यू रिक्वायर अ बिल बिकॉज एक्ट भी बिल से बनी है तो दूध में दूध ही मिलाओगे ना वो बात अलग है कई लोग पानी भी मिला देते हैं लेकिन मैं बात वो कर रहा हूं कि कोई चीज है उसको जैसे वो बनी है अमेंडमेंट भी वैसे ही आएगी मेरी बात समझ आ गई तो पहली अमेंडमेंट है फिनेंस बिल के माध्यम से दूसरी अमेंडमेंट है अमेंडमेंट बिल के माध्यम से ऑर्डिनेंस बिल के माध्यम से भी चेंजेस आती है और हम ये लेटेस्ट चेंजेस हमें करनी है आइए जरा हर साल हमारी वित्त मंत्री साहिबा बजट लेके आती हैं पार्लियामेंट के अंदर बजट कब आता है 1st ऑफ फरवरी किसी भी साल के पहली फरवरी को बजट आता है तो बजट 2023 कब आया 1 फरवरी 2023 को बजट 2022 कब आया 1 फरवरी 2022 को बजट 2024 कब आया 1 फरवरी 2024 को तो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी और हमेशा याद रखिएगा बजट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है बजट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है तो मैं बजट 2023 की बात करूं तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए होगा अगर मैं बजट 2024 की बात करूं ये होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आने वाले जब ये दो महीने पहले गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है प्लानिंग तो काम होने से पहले होती है ना मकान बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है बात समझ आ रही है तो बजट 2023 जो है 23-24, ऐसे बजट 2002, बजट 2002, वो होगा फाइनेंशियल ईयर दो तीन के लिए फाइनेंशियल ईयर दो तीन के लिए तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले बजट अट्ठाईस फेबर को आता था तो सरकार के पास उस बजट को पास करवाने के लिए महीना बसता था खाली क्योंकि मार्च का महीना अप्रैल से लागू हो जाएगा तो इसलिए ये चेंजेस 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि लेट्स ब्रिंग बजट थोड़ा सा पहले सो दैट वी हैव मोर टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन अदरवाइज बजट पास होते होते अप्रैल में ही हो जाता था और साल शुरू हो जाता था तो स्टार्टिंग के एक दो महीने समझ नहीं आता था पुराना काम से ही काम चलाना पड़ता था क्योंकि नई बजट ऑलोकेशन नहीं हो पाती थी तो दैट इज द रीजन बजट को एक अप्रैल से लागू करना स्टार्ट अच्छा बजट वैसे एक बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है मैं उसकी पूरी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि जो रेलिवेंट चीजें हमारे सिलेबस में वो पढ़ना है इंपॉर्टेंट है नॉलेज लेना लेकिन इंपॉर्टेंट इक्वली है मार्क्स भी लेना सो वील अ बैलेंस बिटवीन नॉलेज यो एंड योर यू नो मार्क्स पूरा ही मार्क्स के लिए हम काम करें वो भी वो भी यू नो जस्टिस नहीं होता प्रोफेशन के लिए क्या आप मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हो खाली और खाली नॉलेज ही देते रहे वो भी जस्टिस नहीं होता तो अ टीचर वो दोनों चीजें आपको बताए तो उस बजट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बिल बिल यस ये में आपकी टैक्स की प्रपोजल्स होती है जो टैक्स की अमेंडमेंट्स हैं प्रपोजल्स हैं वो होती है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर तो सीधी सी बात है बजट 2024 में आने वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 की चेंजेस होंगी 22-23 बजट के अंदर 23-24 की चेंजेस होंगी और बजट 2002 के अंदर आपकी uh, 2022 और 2023 2022 और 2023 की चेंजेस होंगी ऐसे ही फिनेंस बिल आता है गाइस तो फिनेंस बिल 2024 में सुनिए मेरी बात समझे मेरी बात फिनेंस बिल टू में फिनेंस बिल 2024 में कौन से साल की चेंजेस होंगी 24-25 ये मैंने आपको बताया फिनेंस बिल 23 में कौन सी चेंजेस होंगी 23-24 की मैंने बताया फिनेंस बिल 2022-2022 में 22-23 की चेंजेस होंगी इस बात को थोड़ा ध्यान तो एक बार रिकैप करिए बजट में होता है फिनेंस बिल तो ऐसा लिख लीजिए बजट में होता है फिनेंस बिल बजट कब आता है फर्स्ट ऑफ फ़रवरी ऑफ अ ईयर ईयर मान लीजिए एक्स एक्स जो भी ईयर है फिनेंस बिल यस फिनेंस बिल भी उसी साल का होगा तो अगर बजट आया मान लीजिए 2024 में बजट आया 2024 में इसमें होगा फिनेंस बिल 2024 फिनेंस बिल 2024 और ये बजट 2024 का आ जाएगा और ये फाइनेंस बिल में टैक्स प्रपोजल्स होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है अच्छा स्टेट गवर्नमेंट अदमा बजट लेके आएगी यस yes. तो टैक्स की प्रपोजल्स होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर तो फिर अगर 24 है तो कमिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया ट्वेंटी फोर इसी तरीके से अगर बजट 2023 का बजट है फिनेंस तो बिल 2023 कमिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, 23 फोर 24. 23, 24. ऐसे ही आप कर सकते हैं ठीक है ना क्लियर है बात तो बजट कंटेन्स द फिनेंस बिल फिनेंस बिल कंटेन्स द टैक्स प्रपोजल्स अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है इंटेंशन है गवर्नमेंट की जो एक्ट में बदलाव लाना इनकम टैक्स एक्ट में कस्टम्स एक्ट में जीएसटी की एक्ट में जो बदलाव लाने हैं वो ऑब्वियसली वो बदलाव जो होते हैं उनको अप्रूवल लेनी पड़ेंगे आइए सर आगे बढ़ते हैं अब इस बजट के जो फिनेंस बिल होता है इसमें लोकसभा में चर्चा होती है तो वित्त मंत्री साहिबा लोकसभा में इसको पढ़ती हैं बहुत वहां पर उस टाइम पे स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है नीचे चल रही होती हैं बहुत लोग दिल थाम के बैठे हुए होते हैं कि क्या चीज महंगी होने वाली है क्या चीज सस्ती होने वाली है बहुत ज्यादा एक तरीके से सस्पेंस का माहौल होता है सबसे ज्यादा जो बजट के अंदर लोग लुक करते हैं वो आपका होता है बजट की इनकम टैक्स के चेंजेस क्योंकि इनकम टैक्स का इफेक्ट डायरेक्टली लोगों पे पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्टली बेनिफिट इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है तो लोग बहुत चाप से सुनते हैं स्टॉक मार्केट से ऊपर नीचे हो रही होती है लोगों की प्लानिंग धरी की धरे रह जाती है अगर कुछ टैक्सेस बढ़ गए तो या घट गए तो फायदा भी हो जाता है लोकसभा में डिस्कशंस के बाद वहां पर वो पास होगा इमिजिएटली नहीं होता है टेक्स टाइम फिर राज्यसभा में जाता है जहां पर यू नो उसको हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं तो ये चर्चा भी हमने लास्ट सेशन में करी थी और वहां पर भी डिस्कशन वोटिंग होती है और फिर हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहिबा के पास जाता है और वो बन जाता है फिनेंस एक्ट फिनेंस एक्ट बनते ही वो अप्रूवल हो गई है फाइनलाइज हो गया है तो यस गाइस अब जैसे हमारा ये फिनेंस बिल था ये जब अप्रूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा फिनेंस एक्ट एक्स एक्स बिल ट्वेंटी बन जाएगा फिनेंस एक्ट ट्वेंटी फोर बिल ट्वेंटी बन जाएगा फिनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री इस टाइप से काम चलता है तो जो फिनेंस बिल होता है पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से वो जाता है माननीय प्रेसिडेंट साहिबा साहिब के पास अभी हमारी आ, मैडम है तो उससे पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे तो वहां से अप्रूवल होने के बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है तो महीना डेढ़ महीना दो महीने का प्रोसेस होता है फेबर में आ जाता है बजट तो मार्च एंड तक ये कंप्लीट हो जाता है क्लियर है बात चलिए तो ये हमारी पहली चेंज के तरीका बताया रिपेयरिंग का तरीका बताया इनकम टैक्स एक्ट का तीन तरीके हैं बच्चों तीन तरीके हैं पहला बताया फिनेंस बिल का माध्यम दूसरा तरीका है अमेंडमेंट बिल का माध्यम अब प्रॉब्लम क्या होती है फिनेंस बिल तो बजट एक टाइम पे ही आता है जैसे घर का राशन एक टाइम पे आता है अब बीच में कोई चीज खत्म हो जाए तो अब यार अगले साल की वेट तो नहीं कर सकता ना बजट आने की जैसे महीने में राशन मंगवाया बीच में कोई पार्टी वार्टी हो गई राशन खत्म हो गया कोई चीज खत्म हो गई अब अगले महीने फिर ऑर्डर करेंगे जब तक तो, तो वेट नहीं किया जा सकता उस केस में अमेंडमेंट बिल्स का उपयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है या आप साल के बीच में भी यस आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बीच में भी कोई अमेंडमेंट्स ला सकते हो तो फाइनेंस बिल में भी अमेंडमेंट्स आती हैं लेकिन वो होता है टाइम टू टाइम

अब हम वेट नहीं कर सकते वेट कर सकते तो अगले साल के बजट में डाल देंगे लेकिन अगर हम वेट नहीं कर सकते तो उस केस के अंदर हम अमेंडमेंट बिल, बिल ले आते जैसे फाइनेंस बिल बिल लेके आए टाइम पर अमेंडमेंट कभी भी लाया जा सकता है मॉनसून सेशन है आपका विंटर सेशन है समर सेशन है लोकसभा में रखा जाता है राज्यसभा में रखा जाता है से साइन करवा लेते हैं और प्रेजेंट्स जब अप्रूवल दे देते हैं वो अमेंडमेंट एक्ट बन जाती है और अमेंडमेंट एक्ट बन के वो एप्लीकेबल हो जाती है देश में उसी वक्त अच्छा तो अगर साल वाली चेंजेस के बीच में दूसरे साल से पहले कोई चेंज लाना चाहते हैं तो अमेंडमेंट बिल या अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भी चेंजेस लाई जा सकती है और तीसरा तरीका है हमारा Guys, चाहे अमेंडमेंट एक्ट लाओ या आप, आप अमेंडमेंट एक्ट लाओ या आप फिनेंस एक्ट लाओ दोनों में ही पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है दोनों में ही आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है और आपको पता है पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने में लगा लीजिए महीना दो महीने का टाइम लग जाएगा महीने दो महीने का टाइम लग जाएगा लेकिन अगर आपको एक ऐसी बदलाव लाना है बहुत अमरजेंसी की चेंज है और आज शाम से ही लागू करनी है अब बिल बनाने में टाइम लगता है पास करवाने में टाइम लगता है तो कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र आपके पास हो इमीडिएटली लागू कर दें इसमें अमरजेंसी चेंजेस के लिए यस दोस्तों चलो टाइम तो है हमारे पास लेकिन पार्लियामेंट सेशन में काम करती है कभी आपका विंटर सेशन समर सेशन और मानसून सेशन होता है पार्लियामेंट बंद होती है कुछ दिनों के लिए बीच बीच में हर सेशन के अब बंद है क्या करें अब महीना वेट तो कर नहीं सकते खुलने के पार्लियामेंट उसमें क्या आता है बिल बनाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज दीजिए सिग्नेचर के लिए तो उसमें लोकसभा राज्यसभा को बाईपास की कर दिया गया जरूरत नहीं है लेकिन सर वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा प्रेजेंट के साइन होने के बाद और एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन येस ऑर्डिनेंसेस की लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है वो ऐसा नहीं कि अनंत काल तक लागू होंगे आपको बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है लगभग लगभग छः महीने के अंतर्गत अच्छा तो पहले आप अप्रूवल लेके काम करें तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जैसे बोल वाली बात हो गई ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज में आप पहले अप्रूवल लेके ही काम करते हो तो आपको बाद में अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है आप पहले अप्रूवल ले लेते हो लेकिन लव मैरिज में आपने लव पहले कर लिया है डिसाइड पहले कर लिया है बाद में जाके आप पेरेंट्स के अप्रूवल लेते हो अब बाद में अगर, अगर अप्रूवल दे दी तो आप उनके साथ रह पाओगे नहीं दे दी तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा उसी तरीके से जब ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया बाद में पार्लियामेंट में जाएगी बात वहां पर पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं मिली तो वो रद्द हो जाता है उसका जो इफेक्ट था वो टम्प्रेरी था तो ये टम्प्रेरी होता है ऑर्डिनेंस बिल जब हमें इमिजिएटली कोई रिलीफ नहीं चाहिए हाँ अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे दी तो वो जो कच्चा काम था टेम्परेरी काम था वो परमानेंट हो जाता है तो ये तीन तरीके हैं एक्ट में संशोधन लाने के जो आपको मैं दोबारा बताऊं फिनेंस बिल एनुअली आता है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट बिल बीच में दस बार लाओ फाइनेंस बिल तो एक ही बार आएगा साल में ये आप दस बार लाओ बीस बार लाओ तीस बार लाओ कोई दिक्कत नहीं और दोनों में ही पहले पार्लियामेंट फिर प्रेसिडेंट लेकिन ऑर्डिनेंस बिल आप दस बार लाओ बीस बार लाओ लेकिन पहले प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट ये बात याद रखिएगा उसके बाद चार चीजें इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए चाहिए पहली चीज मैंने आपको बता दी इनकम टैक्स एक्ट दूसरी चीज जो आपको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए चाहिए इनकम टैक्स रूल्स तो दो सौ सेक्शन के आसपास तो एक्ट में थे जिसमें से मैंने कहा सौ सवा सौ डेढ़ सौ के आसपास हमें पढ़ने होंगे इनकम टैक्स रूल्स क्या है प्रोसीजर्स रूल्स का मतलब होता है प्रोसीजर्स आइए जरा इनकम टैक्स रूल्स देख लें इनकम टैक्स रूल्स भी एक और आपके पास बुक है जो आपको पढ़नी है सर डराओ मत नहीं डरा रहा मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा इनकम टैक्स रूल्स ये एक और पुस्तक है इतनी मोटी दो मोटी मोटी पुस्तकें हैं आपके पास एक्ट की पुस्तक और रूल्स की पुस्तक सर फिर एक्ट में क्यों नहीं डाल देते हर चीज रूल क्यों बना रहे हैं रूल्स होते हैं प्रोसीजर्स रूल्स होते हैं प्रोसीजर्स गाइडलाइंस फॉर्म्स फॉर्म्स और इसके टाइम टाइम पीरियड्स एक्सेट्रा डिटेल्स दोबारा से रिपीट करिए जैसे आपने एक नया घर लिया नया घर लेते वक्त आप क्या डिसाइड करते हो सर कितने कमरे कितना साइज है कितना मनी और सब कुछ वो मोटा मोटी चीजें डिसाइड करते हो लेकिन घर लेने के बाद आपको कुछ चीजें पहले से डिसाइड करनी घर लेने से पहले कि भाई उसमें कौन सा रूम कौन डिसाइड लेगा बच्चे लेंगे वाला रूम विंडो वाला या आप लेंगे अच्छा सोफे कहाँ से आएंगे तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा अभी से ये डिसाइड करें बातें लेटेस्ट परचेज दी हाउस बच्चे झगड़ रहे मुझे वाला रूम चाहिए वो रूम तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा थोड़ा सा होल्ड कर लो लेट अस बाय हाउस एंड देन विल डिसाइड डिसाइड लेकिन वो चीजें हमें करने के अभी नहीं तो ऐसे ही इनकम टैक्स का जब बिल आया होगा ओरिजिनली के आसपास तो उस वक्त मोटा मोटा तो डिसाइड हो गया होगा लेकिन इनकम टैक्स जमा किस बैंक में करवाना है सरकारी बैंक में जमा होगा गैर सरकारी बैंक में जमा होगा ऑफलाइन जमा होगा ऑनलाइन जमा होगा और इनकम टैक्स जमा करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा या इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स होती है जिसमें आप लिखकर बताते हो मैंने इतना कमाया उसके फॉर्म नंबर कौन सा होगा ये सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं ये सारी जो गाइडलाइंस होती हैं ये अभी डिसाइड नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो पहले अप्रूवल तो ले लें एक्ट की उसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं अपोजिशन का अगर गवर्नमेंट की अपनी कम मेजोरिटी है तो अपोजिशन को भी साथ में लाना पड़ता है अपने जो रूलिंग मेंबर्स हैं उनको भी साथ में लाना पड़ता है तो वो जो गाइडलाइंस प्रोसीजर्स हैं वो रूल्स में डाल देते हैं और एक्ट में लिख देते हैं एक शब्द हर से, जिस सेक्शन में रूल लाना है एस प्रिस्क्राइब एस प्रिस्क्राइब का मतलब यह हो जाता है बाद में रूल्स आ जाएंगे और ये रूल्स कौन बनाएगा सीबीडीटी इनकम टैक्स के 295 सेक्शन में लिखा है रूल्स बनाने की पावर हमने किसको दे दी है सीबीडीटी को सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इट इज हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया तो ये सीधा जैसे सेबी होता है ना सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हाईएस्ट बॉडी फॉर स्टॉक मार्केट उसी तरीके से सीबीडीटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर डायरेक्ट टैक्सेस का हाइएस्ट बॉडी तो सीबीडीटी के पास पावर है रूल्स बनाने के लिए और रूल से इनकम टैक्स हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हो जाता है तो क्या मैं बोलू रूल्स आर पार्ट ऑफ द लॉ यस बट पार्ट ऑफ द एक्ट एक्ट का पार्ट नहीं अलग है लेकिन लॉ का पार्ट है तो व्हाट इज लॉ गाइस लॉ मींस एक्ट प्लस रूल्स दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं यस बात समझिएगा घर मियां दोनों से बनता है है बात बात समझिएगा बाद में वो अलग झगड़े हो जाए <laughs> तो कहने का मतलब है रूल्स में प्रोसीजर्स गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन होती है और वो उस वक्त डिसाइड करके और एक और बात बताओ उसी वक्त डिसाइड कर ले तो टाइम लगेगा और एक्ट का जो वॉल्यूम है टू की जगह फोर नाइनटी हो जाएंगे और दूसरी मेजर बात रूल्स को लाने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए बिल की आवश्यकता नहीं होती तो रूल्स को चेंज करना है तो सरकार ऑर्डर पास करके नोटिफाई कर देगी इन ऑफिशियल गैजेट रूल्स विल बिकम चेंज रूल्स विल बी चेंज तो वही वाली बात है गीता बाइबल इनमें चेंज लाना असंभव है क्योंकि वो बन चुके हैं हमारे तो हिंदुस्तान के फिर भी एक्ट में चेंज आ सकते हैं वो तो बन चुके हैं ना अब तो पॉइंट ये फिर अब उसके लिए एक सप्लीमेंट्री इशू कर दिया जाए ये हमारी इंटरप्रिटेशन है तो वहां पर उस इंटरप्रिटेशन में चेंज लाना इजी है समझ गए बात तो एक्ट में चेंज लाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और बार बार बिल लाना पड़ता है मान लीजिए कोई फॉर्म है उसमें अब फॉर्म के अंदर लिखना है, गया है? फादर्स नेम भी लिखना है अच्छा फादर्स नहीं है तो मदर्स नेम भी लिखना है अब वो फॉर्म को बदलना है उसका फॉर्मेट बदलना है और एक्ट में ही फॉर्म डाल दिया बिल लाना पड़ेगा एक्ट का एक डॉट भी एक कॉमा भी एक फुल स्टॉप भी चेंज करने के लिए बिल लाना पड़ता है एक्ट में हटा नहीं सकते फॉर्म ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो

टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब समझ जाना उस सेक्शन पे कोई रूल होगा लिखा होगा टैक्स शुड बी द दिस्क्राइब बैंक फिर अफसर लोग CBDT के प्रिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से बैंक है ठीक है तो रूल्स भी पढ़ने हैं हाँ बीच बीच में जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारे सिलेबस में उनकी चर्चा भी मैं करूँ तीसरी चीज इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमें जो चाहिए दैट इज सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन तो कोई नया यू नो एक्ट में प्रोविजन आया कोई नई बात रूल्स में आई जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कंफ्यूजन क्रिएट करे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है तो हम किसके पास जाएं अपने का अपनी डाउट्स का निवारण करने के लिए आपको डाउट्स आते हैं तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा एट सेवन ट्रिपल जीरो डबल नाइन जीरो टू एट इस पे आप अपने व्हाट्सएप मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ और अपने क्वेरी के साथ सो दैट आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज ये नंबर आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर भी है जहाँ से भी आपने कोर्स लिया है एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट से आपको अपना नाम नेम और इंस्टीट्यूट का नंबर यहाँ पर भेजना है सो दैट आई कैन स्टोर योर नंबर एंड वेन एवर यू सेंड मी अ मैसेज आई विल कम टू नो कि दिस इज दैट स्टूडेंट फाइन तो आपकी जो टेक्स के डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछते हैं लेकिन गाइज अगर रियल लाइफ में हमें प्रोफेशनल्स को डाउट आए ये जो नया प्रोविजन अमेंडमेंट बिल के थ्रू या फिना, या आपका फिनेंस बिल के थ्रू या आपके ऑर्डिनेंस बिल के थ्रू जो एक्ट्स बन गई हैं उसमें कोई चेंजेस आई हैं कोई यार नया नोटिफिकेशन करके रूल लाया गया है हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम सीबीडीटी को लिखते हैं तो सीबीडी टी वन वन नाइन सेक्शन में क्लैरिफिकेशन इशू करती है सेक्शन को क्लैरिफाई करने के लिए दे हैव द टू इशू है सर्कुलर्स आते हैं क्या सर्कुलर्स पार्ट ऑफ दी लॉ है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें क्या सर्कुलर्स पार्ट ऑफ लॉ है यस पार्ट ऑफ द एक्ट है नो तो सर्कुलर जो होते हैं वो पार्ट ऑफ द लॉ तो है लॉ का पार्ट तो है जैसे जैसे रूल्स भी पार्ट ऑफ द लॉ है लेकिन वो एक्ट में नहीं है अलग से है हां जी पार्ट ऑफ द लॉ तो है बट नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट एक्ट का पार्ट तो नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ द लॉ है अच्छा ये सर्कुलरस में लिखा है x इज इक्वल टू वाई ये हमारी इंटेंशन है क्या मुझे ये फॉलो करना है सर्कुलर ने अच्छा मुझे क्या लॉ फॉलो करना है ऑब्वियसली लेकिन क्या मुझे सर्कुलर फॉलो करना है इस पे बाइंडिंग इफेक्ट देख लीजिएगा सर्कुलर का सर्कुलर का बाइंडिंग इफेक्ट अगर सर्कुलर जो है ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए बाइंडिंग है क्योंकि तो ये सीबीडीटी में महामहिम जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी से बाइंडिंग है महामहिम सीबीडी टी इज द सुप्रीम बॉडी फॉर यू नो पॉलिसी मेकिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सेस तो इनकम अथॉरिटीज कौन होते हैं कमिश्नर्स कमिश्नर्स आई टी ओस इनकम टैक्स ऑफिसर्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स इनकम इंक, टैक्स इंस्पेक्टर्स इन सबको तो फॉलो करना सर्कुलर में लिखा अगर एक्स इज इक्वल टू वाई एक्ट में खाली लिखा था एक्स वाई पता नहीं उसका मीनिंग नहीं बताया था कंफ्यूजन हो रही थी तो हमने उसके अंदर डाल दिया जुडिशियल को को जुडिशियल सरकार का ऑर्डर है ना वो लॉ तो नहीं है लॉ है ना एक्ट तो नहीं है ना तो जुडिशियल अथॉरिटीज है ट्रिब्यूनल्स को सर्कुलर्स मानने की आवश्यकता नहीं है फिर सरकार के आदेश मानने वाली बात हो जाएगी ना तीसरी बात हम जो है असेसी जो हम लोग हैं गाइज हम चाहे तो बेनिफिट लें चाहे तो इग्नोर कर दें हमारे पास दोनों ऑप्शन है सर्कुलर के लिए चाहे तो बेनिफिट लें चाहे तो इग्नोर कर दें वी कैन चैलेंज यस हमें पसंद नहीं आ रहा वी कैन चैलेंज दी सर्कुलर इन दी कोर्ट हम कोर्ट में कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन गलत है क्योंकि दैट इज द इंटेंशन शब्दों की कोई सब शब्दों का कोई मीनिंग नहीं होता शब्दों का जो उच्चारण जिसने किया शब्द जिसने बोले हैं उससे मतलब पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे मन में क्या था तो सरकार ने कहा हमारे मतलब था एक्स का मतलब है वाई तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को तो मानना पड़ेगा जुडिशियल अथॉरिटीज को नहीं मानने की जरूरत देखें इग्नोर एंड असेसी के लिए अगर बेनिफिट दिख रहा है तो मान लो फायदे की बात है तो मान लो और नुकसान की बात लग रही है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज करो इग्नोर करो यू कैन चैलेंज इट ठीक है ना तो सर्कुलस बाइंडिंग किसके लिए है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए सर्कुलस बाइंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए सर्कुलस बाइंडिंग किसके लिए नहीं है जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए और सर्कुलर्स बाइंडिंग किसके लिए है एस के लिए नो बट ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अ बेनिफिशियल सर्कुलर एंड कैन चूज टू इग्नोर क्योंकि दैट इज़ नॉट एन एक्ट पार्ट ऑफ द लॉ है टिपिकल सेंस में ये बोलूंगा लॉ का एक पार्ट है लेकिन एक्ट कोई बात तो माननी पड़ती है ठीक है ना चलिए तो सर्कुलर्स हमें क्लैरिफाई कर दो बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होंगे आई टेल यू ये सर्कुलर हमें पढ़ना है और चौथी चीज़ इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए है जुडिशियल डिसीजन गाइस क्या होता है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए हमारे एस हैं रामलाल साहब हमारे एस हैं रामलाल साहब इन्होंने टोटल इनकम दिखाई है दस लाख अब आई साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता आपकी टोटल इनकम दस लाख है मेरे पास तथ्य है सबूत है मैं तो आपकी इनकम को पचास लाख मान रहा हूँ गाइस बहुत टैक्स बढ़ जाएगा दस लाख पे मोटा मोटा टैक्स लाख डेढ़ लाख का बैठेगा और पचास लाख पे तो टैक्स ओवर 15 का टैक्स बैठ जाएगा तो रामलाल विल नॉट लाइक दिस बात। क्योंकि उसकी इनकम बढ़ा दी गई है कुछ इनकम्स हो सकती कुछ भी हो सकता है तो कैन ही नॉट गो अगेंस्ट द आईटीओ यस दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कि अगर आईटीओ आपके साथ अत्याचार कर रहा है आपको ऐसा लग रहा है हो सकता है वो जेनविन हो लेकिन आपको लग रहा है ऐसी बात कि वो गलत तथ्यों के आधार पर गलत फैक्ट्स के आधार पर इनकम बढ़ा रहे तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाके अपील कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाके अपील कर सकते हैं वो आपको रिलीफ दे सकता है हो सकता है आपकी इनकम को दोबारा से दस लाख कर दिया जाए और ये भी नुकसान है कि वो आपकी इनकम को हो सकता है अस्सी लाख कर दे देस उसने कहा आई ने तो कम बढ़ाइए मैं और बढ़ाऊंगा ये नहीं कि वो बदले का काम कर रहा है नहीं उसके बाद और तथ्य आए होंगे तो कमिश्नर अपील्स को हम फर्स्ट अपील कहते हैं फर्स्ट अपील आप फाइल करते हो कमिश्नर अपील के पास अब कमिश्नर अपील ने बढ़ा दिया अब आप आपको और बुरा लग रहा है या अच्छा खासा पचास पे रहने देता तो आप अपील करो अगेंस्ट कमिश्नर अपील आई टी टी के पास इनकम टैक्स टैक्सलेट ट्रिब्यूनल ये सेकेंड अपील होती है सेकेंड अपील होती है सेकेंड अपील और उन्होंने आपको हो सकता है रिलीफ दे दे अब उन्होंने एक करोड़ रुपए आपकी टोटल इनकम कर दी गाइस आप तो फंसते ही जा रहे हो दल दल में अच्छा खासा दस लाख के पचास लाख ही मान ले तब तो एक करोड़ हो गया अब तो स्वाभाविक है आपको जाना ही पड़ेगा अब आप जाते हो हाई कोर्ट के अगेंस्ट हाई uh, कोर्ट में आईटीएटी के अगेंस्ट दिस कॉल थर्ड अपील थर्ड अपील हाई कोर्ट वालों ने रिलीफ दे सकते थे लेकिन उन्होंने डेढ़ करोड़ कर दिया आपकी इनकम अब गाइस आपके पास क्या ऑप्शन बच गई हो सकता है इनकम ना भी बढ़ाए हाई कोर्ट वन करोड़ को सही मान ले फिर भी आप जाओगे यानी कि हमेशा बढ़ाओगे आप जब भी जाओगे हो सकता है वो आपको रिलीफ कम दे हो सकता है रिलीफ नब्बे लाख का दे फिर भी आपको खुशी तो नहीं होगी ना आई चलो नब्बे भी कर देता है या आई टी भी कर देता है आपको फिर भी खुशी तो नहीं होगी तो एक करोड़ कर दे या नब्बे लाख कर दे इसमें बढ़ा दे या अस्सी लाख सेम टू सेम मेंटेन कर दे या साठ लाख कर दे फिर आप बोलोगे छोड़ यार साठ लाख तो कर दिया डिक्रीज तो कर दी पचास का लेकिन अगर आपको यह भी अपील करना आप कर सकते हो तो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आई टी ऑर्डर यू कैन अपील हाँ अगर साठ लाख हो गया आप अपील नहीं कर रहे तो उसे तक गवर्नमेंट अपील कर दे आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में तो अपील का दरवाज़ा दोनों के लिए खुलता है हाँ पहली अपील तो मैं ही फाइल करूंगा पहला कोर्ट का जो या एपलेट प्रोसेस है वो तो मैं ठक तक करूंगा फिर आईटीएटी के बाद टी हैं फिर हाई कोर्ट हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले तो गाइस फिर हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा लॉ ऑफ दी लैंड बन जाता है लॉ बना तो नहीं सकती लॉ को इंटरप्रेट कर देती है अब मेरे पास के अलावा कहीं और जाने का रास्ता नहीं है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कम कर दे तो बढ़िया ना कम करे तो बढ़िया चलिए जरा देख लीजिए ये अपलेट प्रोसेस दोबारा से हाँ जी तो सबसे पहले सीआईटी अपील्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास हम जाते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील सीआर बिल्डिंग और दिल्ली में सिविक सेंटर है यहां पर भी इनके ऑफिसज हैं यहां पर जाकर हम जाते हैं उसके बाद सेकेंड अथॉरिटी आई इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल तीसरी अथॉरिटी जहां पर हम जाते हैं हाई कोर्ट और चौथी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ा सा इस पर एक चर्चा होती है कि सर इनके जो डिसीजन है, है उनके जो डिसीजन हैं उनका क्या लीगल इफेक्ट है क्या मतलब आइए जरा जो हमारे आई टी एस हैं जो हमारे हाई कोर्ट के डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इनका ज्यादा लीगल इफेक्ट माना जाता है सीआईटी अपील्स के डिसीजन का इतना इफेक्ट माना नहीं जाता क्योंकि वो बहुत लोएस्ट अथॉरिटी हो गई एपलेट प्रोसेस आई टी का डिसीजन आप यहां पर कौन से केस लेके जाते हो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे मेरी टर्न ओवर दस लाख है आई टी रहे ना गुप्ता जी टर्न ओवर अस्सी लाख मान रहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है समझो मेरे 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 पास एक मकान है आई टी कह रहे नहीं सचिन सर आपके पास दो मकान है तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है जहां पर सेक्शन के ऊपर झगड़ा है मैं क्या सेक्शन में लिखा है मकान का मतलब होता है इतने साइज का प्लॉट वो कह रहे नहीं आई मकान का मतलब होता है इतने साइज का लॉ में ये लिखा इंटरप्रिटेशन का झगड़ा है अच्छा जहां लॉ की इंटरप्रिटेशन का झगड़ा है झगड़ा एक तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है और जहां फैक्ट्स और फिगर्स अमाउंट को लेकर झगड़ा है वो फैक्ट्स की बात होती है दोनों केसेस में ही मैं जा सकता हूं क्योंकि कभी क्या होता है मैं लॉ की इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ बहुत अच्छी वाली तो इनकम कम दिखा रखी है और मैं लॉ की वो आईटीओ इनकम टैक्स में लॉ की इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉग ले रहा है तो मेरी इनकम बढ़ा रहा है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन लेकिन दोनों पात्र मैं आई टी एटी के बाद जा सकता हूं लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइनल अथॉरिटी है आई क्या मतलब सर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आई ने ऑर्डर दे दिया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर उसके बाद मैं आगे कोई अपील फाइल नहीं कर सकता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है मैं अपील कर सकता हूं क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं दोबारा से रिपीट करो सर आई में आप दो टाइप के झगड़े जैसे मेरे चार दोस्त हैं आई टी को कह आठ दोस्त हैं ठीक है, है ना ये ये झगड़ा क्या है फैक्ट लेकिन कह रहे ये मेरा दोस्त है वो कह रहे तेरा दोस्त नहीं है मैं कह रहा हूं दोस्त है तो दोस्त की परिभाषा पे झगड़ा हो रहा है वो कह रहे हैं दोस्त तो ये होता है मैं कह रहा हूं दोस्त तो ये होता है तो वहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर अगर आई का डिसीजन आ गया तो आई फाइनल अथॉरिटी है यानी कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता आई

इनकम टैक्स अथॉरिटीज और असि विद इन दूरिस आई टी एटी की जोरिस्डिक्शन में है उनके लिए वो फॉलो करना मैंडेटरी है जैसे दिल्ली में आई टी एटी है तो दिल्ली आई टी एटी ने कहा तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज तो दिल्ली के अंदर है कमिश्नर दिल्ली के दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिसर दिल्ली के सी उनके लिए यूपी वालों के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आई दिल्ली ने कुछ कहा तो दिल्ली टी की जो जजमेंट है वो दिल्ली वालों के लिए मैंडेटरी हाँ यूपी वाले उसको यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस वेन दे फाइल अ केस इन यूपी आई वो कह सकते हैं दिल्ली आई ने कहा था लेकिन ये बाध्य बाइंडिंग तो दिल्ली वालों के लिए है बाकी लोग इसका फायदा ले सकते हैं

क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट पे बात जाएगी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाँ जी फैक्ट की बात तो कर ही देता है उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग इन द स्टेट है पूरे स्टेट में बाइंडिंग है बाइंडिंग इन द स्टेट उस state के सारे आई टी एटीज कभी कभार क्या होता है दिल्ली तो छोटा शहर है एक ही आई टी अलग अलग बड़े यूपी मल्टीपल आई टी इन द स्टेट वहां की इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द स्टेट स्टेटिस इन द स्टेट उस स्टेट में तो दिल्ली हाई कोर्ट का अगर जजमेंट आया तो इनकम टैक्स का अफसर दिल्ली के इनकम टैक्स के जो आईटीएटी दिल्ली का और इनकम टैक्स के लिए बाइंडिंग है हा दूसरे स्टेट वाले फायदा ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो डिसीजन फाइनल है पूरे इंडिया के लिए बाइंडिंग इन इंडिया तो इंडिया में किसके लिए बाइंडिंग है इंडिया में सारे आई सारे हाई कोर्ट्स सारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज सारे एस सबके लिए बाइंडिंग है अच्छा क्योंकि सारे हाई कोर्ट्स हाईकोर्ट तो में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं आई थिंक इट विल बी ट्वेंटी सबके लिए बाइंडिंग सारे इनकम टैक्स इनकमिटी सारे हिंदुस्तान के इनकम आई टीओ सारे इनकम टैक्स सारे के केट आई टी आई टी सबके लिए बाइंडिंग है तो कंट्री के लिए बाइंडिंग तो हो गया ना मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कंट्री के लिए बाइंडिंग है हाई कोर्ट की जजमेंट स्टेट के लिए बाइंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट डिग्री एल की डिग्री चाहिए होती है यहां पर. खुद नहीं जा सकते सीएस भी नहीं जा सकते यहां पर कंपनी सेक्रेटरीज भी नहीं जा सकते कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू नीड टू बीविंग अ वकालत डिग्री ट्रिब्यूनल्स के लिए यू कैन गो एज अ प्रोफेशनल उसमें भी लिमिटेशन है कौन से जा सकते कौन से नहीं जा सकते कभी चर्चा विस्तार से बताऊंगा लेकिन फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यू नो यू डी एल बी डिग्री तो अगर आपका इनकम टैक्स के पास अच्छे आ रहे हैं एंड एंड यू यू आर एबल टू टू फाइट आउट अप्रोच हाई कोर्ट कोर्ट सुप्रीम तो आपको एडवोकेट के हायर करने की जरूरत पड़ती है तो यू कैन टेक ए एल बी डिग्री अलॉन्ग विद योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो आपका रास्ता सारा खुल जाता है तो so, आप सी आई टी के बाद जा सकते हैं आई टी आई टी के बाद क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस आ गया ना रिप्रेजेंट करने का अपने क्लाइंट को तो ये आपकी जो बात है हमने आज करी एक बार रीकैप करते हैं गाइस तो आज हमने बात करी इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए चार इंपॉर्टेंट टूल्स हैं पहला टूल है आपका माय डियर फ्रेंड्स पहला टूल है आपका इनकम टैक्स एक्ट जो आपका एक स्टेचुरी लॉ है जिसमें 298 नाइनटी हैं हु व्हेन व्हाट सब कुछ दिया हुआ है यही तो आगे की क्लास में चर्चा होगी इनकम टैक्स रूल्स जो प्रोसीजर्स हैं गाइडलाइंस हैं एक्ट कौन बनाता है सरकार और पुरानी एक्ट सबसे पहले अठारह लेटेस्ट साल उन्नीस सौ एक चार बाढ़सठ से लागू हो गई रूल्स ऑफ प्रोसीजर गाइडलाइंस आपके फॉर्म्स ये पार्ट ऑफ द लॉ है बट एक्ट का अलग होते हैं सर्कुलर क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी रूल्स भी सीबीडीटी लाते हैं टू नाइन्टी फाइव सेक्शन में सर्कुलर क्लैरिफिकेशन भी सीबीडीटी लेके आते हैं एक सौ उन्नीस सेक्शन में वो पार्ट ऑफ द लॉ है बट नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट है सर्कुलस किसके लिए बाइंडिंग है किसके लिए नहीं बाइंडिंग है किस फॉलो करना है ये भी बात करी और लास्ट में जब झगड़े और लड़ाई हो जाए तो उस पर कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं जुडिशल कोर्ट की जजमेंट्स भी कहा जाता है उसके अंदर फिर हम ये पढ़ते हैं वो जजमेंट्स का लीगल इफेक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरे देश के लिए लागू होती है हाई कोर्ट की उस स्टेट के अंदर जितने भी आपके पर्सनस हैं उनके लिए आई टी की जजमेंट आई टी के लोगों के लिए जो नीचे उनके हैं अगर इलाहाबाद आई टी है तो इलाहाबाद में ही लागू होगा ना कानपुर आई टी में लागू नहीं होगा यूपी इज़ अ वेरी बिग शहर चलिएगा इस आज आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी क्वेरी नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है एट सेवन ट्रिपल जीरो डबल नाइन जीरो टू एट यहाँ पर आपको रजिस्टर भी करवाना है और यहाँ पर आपको अपनी क्वेरीज भी भेजनी है अगले सेशन में क्या करने वाले हैं अगले सेशन में हम इनकम टैक्स के बेसिक्स से शुरू करने वाले हैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन शुरू करने वाले हैं अब ये लास्ट टू सेशन में आपका बेस फाउंडेशन नीव हमने डाल दी है अब आगे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाली है टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय